अहम खबर देंगे। हुकूमत इत्तेहाद को मिलने वाली ख्वातीन और अकलियतों की मखसूस नशस्तें मुअत्तल। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में फैसला किया है। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब का मखसूस नशस्तों पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर दुरुस्त करार। स्पीकर पंजाब असम्बली ने ऐवान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया। इसी पर बात करेंगे। डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अंसारी, आगाह कीजिएगा, फैसले की रोशनी में अब मुअत्तल कर देंगे मखसूस नशस्तों को? बिल्कुल, कल पंजाब असेंबली के इजलास में अपोजिशन को राना आफ्ताब ने ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खवातीन और अकलियतों की जो 27 मखसूस नशस्तें हैं उनको उन अरकान को जो है वो मुअत्तल किया जाए और उनकी ऐवान में दाखिले पर पाबंदी आयद की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ चुका है। तो स्पीकर ने कल कहा था कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इस हवाले से ताज़ा तीन सूरत हाल का अपडेट लेने के बाद आज रूलिंग दे दी। आज पंजाब असेंबली में हुकूमत इत्तेहाद को बड़ा झटका लगा और स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हुकूमत इत्तेहाद को मिलने वाली खवातीन और अकलियतों की 27 नशस्तें जो है वो मुअत्तल कर दी हैं। और इस हवाले से पंजाब असेंबली सेक्रेटेरियट को बता दिया गया है कि ये अब ऐवान में ये खवातीन 24 में खवातीन और 3 अकलियती नशस्त के अरकान है, ये ऐवान में दाखिल नहीं हो सकेंगे। तो इस तरह अब जो ये उस वक्त तक जब सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला नहीं आता तो उस वक्त तक इनकी रुकनीयत मुअत्तल रहेगी। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आप हमें आगाह कर रहे थे।